मुंगेली जिले के हृदयस्थल पड़ाव चौक में 9 अगस्त की सुबह हुई सुलभ शौचालय के संचालक की हत्या की घटना को मुंगेली पुलिस ने सुलझा ली है। बता दें कि 9 अगस्त की सुबह मुंगेली जिले के पड़ाव चौक में स्थित सुलभ शौचालय के संचालक घनौरी पंडित की खून से लथपथ लाश मिली थी, जिसे सुलझाने पर मुंगेली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हत्या करने वाले दो आरोपी को ग्वालियर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उक्त घटना का प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खुलासा किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश्वर चंदेल ने बताया कि आरोपी शीलानंद झा ने घटने वाली सुबह मुंगेली कार में आकर गनौरी पंडित के चेहरे पर पहले तो मिर्च पाउडर फेंका, जिसके बाद आरोपी ने हथौड़ी से सिर पर ताबड़तोड़ वार कर घनौरी पंडित को मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी कार से फरार हो गया था। घटना के बाद मौके में पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के मदद से कार में पताशाजी के बाद मुंगेली पुलिस अधीक्षक ने एक विशेष टीम गठित किया। टीम को ग्वालियर रवाना किया गया, जहां से संदेही शील आनंद झा एवं प्रदीप कटारी से कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने हत्या करने की बात को कबूल किया। आरोपी ने बताया कि मृतक के द्वारा पत्नी और बच्चों को बीमार होने पर खूब झाड़ किया जाता था, जिसके बाद से पत्नी और बच्चे हमेशा बीमार होने लगे, जिससे आरोपी परेशान रहने लगा। आरोपी ने जादू टोने के शक पर पूर्व में भी फरवरी मार्च के बीच में समझाने मुंगेली भी गया था, जिसके बाद आरोपी ने हत्या करने की योजना बनाकर हत्या को अंजाम दिया था। बता दें कि सरकार रूढ़िवादी परंपरा जैसे अंधविश्वास को मिटाने की भरकर प्रयास कर रही है, फिर भी अंधविश्वास का यह गोरख धंधा आज भी जोरों से फल फूल रहा है, जिसके चलते फिर एक व्यक्ति को जान गंवानी पड़ी। बहरहाल हत्या के दोनों आरोपी को पुलिस ने रिमांड में लेकर जेल में दाखिल कर दिया है। मुंगेली पुलिस को अंधे कत्ल का मुद्दा सुलझाने में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। आपको बताना चाहूँगा कि पड़ाव चौक स्थित सुलभ शौचालय में 9 अगस्त को प्रातः सूचना मिली कि वहाँ जो कार्य करने वाला व्यक्ति है, जो कर्मचारी है घनौरी पंडित, उसकी डेड बॉडी पड़ी है। जैसे ही सूचना मिली तत्काल हम सब लोग अपनी टीम लेके गए, और चूँकि मामला जो है पड़ाव चौक का था, मुंगेली के हृदय स्थल का था और एकदम सुबह सुबह की घटना थी, तत्काल हम लोग सब सक्रिय हो गए और पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम ने लगातार प्रयास किया, साइबर सेल की भी मदद ली गई, तो इसी बीच हमको फुटेज के माध्यम से पता चला कि एक गाड़ी आके रुकी थी, उसमें से एक व्यक्ति बैग लेके उतरा था। इस पर हमने सारा फोकस किया और लगातार इन्वेस्टिगेशन किया और आरोपी को ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया, जिसे न्यायिक रिमांड पे आज भेजा। जो आरोपी है शीलानंद झा और घनौरी पंडित, पहले ग्वालियर में एक साथ ही सुलभ शौचालय में कार्य करते थे, दोनों के बीच पारिवारिक संबंध हो गया था। और इसी बीच जो शीलानंद झा जो मुख्य आरोपी है, उनकी पत्नी की तबीयत खराब रहने लग गई, उसके बच्चों की तबीयत खराब रहने लग गई, तो उसने ऐसा सोचा कि घनौरी पंडित के कारण ही ये सब हो रहा है, वो जादू टोना कर दिया है या करवा दिया है, इस बात से हमेशा वो परेशान रहता था। 8-10 साल से लगातार परेशानी की इससे जूझ रहा था। इसी बीच घनौरी पंडित वहाँ से हट के इधर आ गया, यहाँ कार्य करने लगा, जिसे पूर्व में भी उसने समझाइश दिया था आरोपी ने, और अंततः फिर प्लान करके 9 तारीख को सुबह यहाँ पहुँचा 9 अगस्त को, और हथौड़ी से मार के उसकी हत्या कर दी। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ nationupdate.in में। और हाँ, आप खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल nationupdate.in।